Hey guys, please subscribe IS with Ojan sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और भूगोल की अगली श्रृंखला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की श्रृंखला में मैंने आपसे खगोल विज्ञान के बारे में बात किया था। आज हम लोग भूगोल के सिद्धांतों में भू आकृतिक विज्ञान के बात करेंगे, जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जहां पर पृथ्वी की स्थलाकृतियों का वर्णन किया जाता है, उनकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है और उसके बारे में एक विशद अध्ययन किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं, तो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसकी अप्रोच क्या होगी और कौन सी बुक्स हमें इसमें मदद कर पाएंगी ताकि आप अपने अध्ययन का आधार तय कर सकें। अगर हम भूआकृतिक विज्ञान के पहले टॉपिक की बात करें तो अक्षांश एवं देशांतर वास्तव में स्थित समय की ज्ञात के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये पृथ्वी पर जो है वो कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की होती हैं, यानी कि ये हॉरिजेंटल भी होता है और ये वर्टिकल लाइंस भी होती हैं, तो अक्षांश और देशांतरों का ज्ञान। दूसरा हमारा है पृथ्वी की गतियाँ। हमें पता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर जो है वो घूर्णन भी करती है और ये परिक्रमण करती है सूर्य के चारों तरफ, और इसकी वजह से हमें तमाम परिवर्तन देखने को मिलते हैं दिन और रात, और अपने अक्षों पर झुकाव को अगर हम जोड़ लें तो मौसम में होने वाले परिवर्तन। सो ये पृथ्वी की गतियों के क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसके कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का अंतरतम, यानी पृथ्वी क्या एक ठोस गोला है या इसके अंदर जो है वो तमाम तरह की जो है आकृतियां पाई जाती हैं, विभाजन पाए जाते हैं। इन विभाजनों को प्राप्त करने के साक्ष्य क्या हैं, क्या हम इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस रूप में देख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो पृथ्वी के अंदर सीधे बहुत गहराई तक प्रवेश नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष कारण कौन कौन से हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो जानकारियां कितनी सटीक हैं और वो जानकारियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, तो हम पृथ्वी के अंतरतम का अध्ययन करते हैं। अगली बात हम करें तो भूपरपटी की संरचना, यानी कि जिस भूपरपटी यानी कि जो आपका अर्थ क्रस्ट है, जिस पे हमारा निवास है, हमारा जो है हमारा रहन है, वहाँ पर जो हमारे खनिजों का आधार है, हमारी मृदा का आधार है, वो भूपरपटी की संरचना क्या है, इसमें रॉक्स के टाइप्स क्या है, इसमें मिनरल्स के टाइप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारी भौगोलिक शब्दावलियाँ। ये मैंने कुछ देखकर जो पेपर का पैटर्न है उसको देखकर मैंने इसको इन्वॉल्व किया, भौगोलिक शब्दावलियाँ। भूगोल के कुछ शब्द जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे खाड़ी, गल्फ, ये जो वर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तमाम शब्दों पर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, तो भौगोलिक शब्दावलियों का ज्ञान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं और जियोमॉर्फोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, जो कि भूगोल में पर्वतों के निर्माण से लेकर जो है वो तमाम टेक्टोनिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा आधार तैयार करता है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्वालामुखी एवं प्रकार, तो ज्वालामुखी और भूकंप जो होते हैं ये अंतरजात बलों के यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेस का आउटकम होते हैं, तो संसार में कौन कौन से ज्वालामुखी एवं प्रकार, किस प्रकार हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी की आकृतियां। हमारे पास जो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो कुछ आकृतियों का जन्म होता है जो कि भू आकृतियों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो किस प्रकार की आकृतियां हमारे सामने निकलकर सामने आती हैं। इसी प्रकार अंतरजात बलों में अगर हम बात करेंगे तो भूकंप आता है, राइट, यानी कि भूकंप एक ऐसी घटना है जहां पर पृथ्वी की परपटी में या पृथ्वी के अंतरतम में एक कंपन होता है और उस कंपन में एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस ऊर्जा के क्या प्रभाव हो सकते हैं, कितनी ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का मापन कैसे होता है और मनुष्य के जीवन में और आपदाओं के लिए इसका क्या महत्व है, तो हम इसके बारे में यहां अध्ययन करेंगे। अगला अगर हम बात करें तो अब हम बहिर्जात बलों यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं और अपक्षय के बारे में बात करेंगे। अपक्षय का मतलब क्या हुआ, यहां पर हम बात करेंगे जहां मौसम संबंधी जो है विघटन हो रहा है, मौसम जो है वो एक तेजी से क्रियात्मक हो रहा है और क्रियात्मक का आउटपुट ये निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अपरदन के सिद्धांत, तो अपरदन और उसके सिद्धांत क्या होता है, ये भी एक बाह्य बल है और ये पृथ्वी की आकृतियों को घिसाव करने का काम करता है, इसको हम लोग ग्रेडेशन बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये घिसाव की प्रक्रिया शुरू करता है, तो इस अपक्षय की वजह से जो है वो तमाम भूआकृतियां हमारे सामने निकलकर सामने आती हैं। अब सवाल है कि किस प्रकार की स्थलाकृतियां यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनकी कुल 5 कैटेगरी है। पहला है वायु अपरदन की स्थलाकृतियां, दूसरा है समुद्री अपरदन द्वारा बनी स्थलाकृतियां, तीसरा है ग्लेशियर के द्वारा बनी स्थलाकृतियां, चौथा है बहता जल जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट होता है, ये अपरदन का एजेंट है, जो रनिंग वाटर है, नदियां हैं, इनके द्वारा बनी स्थलाकृतियां, और अगला है भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर, स्पेशली अगर वो चूने की चट्टानों से गुजर रहा है, अगर आंतरिक रूप से जो है उसको घोलन कर रहा है तो उससे बनी स्थलाकृतियां बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपके भूआकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनके सिद्धांतों का आपको अध्ययन करना है और इनकी क्रियात्मकता यानी कि जो इनका मैकेनिज्म है और इसका जो एक्शन है वो आपको पता होना चाहिए।
इसको पता करने से, ये आपके टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हैं इतना टू द पॉइंट रहते हैं, तो यूपीएससी में मैंने देखा है कि इतने पॉइंट से काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत हमें विस्तार के साथ या बहुत हमें एग्जेजरेट होकर नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट रहिए और टू द पॉइंट में आप इसके जो है वो इतने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप इसको कर सकते हैं। अगर बुक्स की बात करूंगा तो सबसे पहला 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, स्पेशली जो 11th की एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल की, वहां पर आपको इसके बारे में काफी अच्छा पता चल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के हिस्से में भारत पर इनके पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में आप अध्ययन कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम में जीसी लियोंग एक बहुत अच्छी किताब है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेट पर जानकारियां पढ़ी हैं उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हायर स्टडीज में बात करेंगे तो सविंदर सिंह जो भौतिक भूगोल के नाम से आती है, आप उसका अध्ययन करके भी अच्छी जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है और भूगोल का जो आगे फर्दर स्टडी हम करते हैं उसका बेस यहां से तैयार होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और फॉल इन लव विद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को अपना जो है वो सक्सेस का आधार बनाइए। जल्दी मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ वेडनेसडे से और आप उसके साथ जुड़ सकते हैं 27 तारीख से, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के माध्यम से हम आगे पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, और अपने आप को प्री और मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से एग्जाम लिखिए। आप सफलता के लिए बने हैं और आप सफल होइए। धन्यवाद दोस्तों।